सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को पूछताछ के लिए समन जारी किया। सीबीआई मुंबई के वाटरस्टोन होटल जांच के लिए पहुंची। खबर है कि सुशांत रिया इस होटल में रुके थे। सीबीआई का सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम पर संदेह गहराया, जल्दबाजी में करने पर सवाल उठाए। कांग्रेस कार्य समिति की आज होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। सोनिया गांधी के इस्तीफा देने की स्थिति में मनमोहन सिंह या एके एंटनी पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दक्षिण कोरियाई राजनीति के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कोमा में हैं और उनकी बहन ने देश की बागडोर संभाल ली है। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार हो गए, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 57,542 हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 73 दिन में कोरोना वैक्सीन बाजार में आने की खबरों को गलत बताया। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि लद्दाख में चीन आर्मी के रुख को देखते हुए हिंदुस्तान की सेना तैयार है। केरल के स्पीकर ने कोविड निर्देशों का पालन करते हुए एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक नौकरी 1,000 बेरोजगार, क्या दिया देश का हाल। 9 दिन में लगातार 8वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों की मदद के लिए दिल्ली बाजार वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान किया। रेलवे ने साल 2019-20 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से 561 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कूड़े के ढेर में धमाका होने से एक लड़का घायल हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और पानी देने का वायदा किया। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम से जबरन शादी करवा दी। पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए लंदन गए पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में नाइट क्लब में भगदड़ मचने से 13 लोगों की मौत हो गई। तेल उत्पादन के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पंजाब में कोरोना के 1,136 नए मामले सामने आने के बाद 50 लोगों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन धमाकेदार शतक बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में स्वरा भास्कर पर अवमानना के मुकदमे को अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से मना किया। ताइवान के सैन्य स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से अमेरिका और चीन के बीच तनाव की आशंका और बढ़ गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली गिरने की घटनाओं के बाद हालात बिगड़ने की आशंका जताई गई। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी की नई फिल्म आचार्य का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोबारा सेवा शुरू करने और कोरोना को फैलने से बचाने के लिए जरूरी तैयारी पूरी करने का दावा किया। मुंबई के पास 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के पास यूपी के शाहबेरी में बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दिल्ली सरकार सभी 70 विधानसभाओं में कैंप लगाकर मजदूरों को श्रम बोर्ड से जोड़ने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। दिल्ली में कोरोना के 1,450 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,250 लोग ठीक भी हुए। मुंबई के पास डोंबिवली में एक कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से ही कांग्रेस का नेतृत्व करने की अपील की। रायबरेली के गोठिया गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 7 लोग उसकी चपेट में आए, 15 साल की बच्ची की मौत हो गई। नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी में एक ही सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंटरनेट सेवा लेने की बाध्यता को डीएम ने खत्म कर दिया। बदायूं के दातागंज कस्बे में अपने पति के दहेज की मांग से तंग आकर के महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों के अलग अलग जगहों पर शव मिलने से सनसनी मच गई। इटावा जिले के बकेवर में सुनवर्षा ब्रिज के पास में यूपी पुलिस ने एक मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार रात एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ में कुछ लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दी और गैंगरेप के बाद हत्या की। ऋषिकेश में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ के खिसकने पत्थरों की चपेट में आई मिट्टी उठाने वाली मशीनों के दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजौरी में कुछ गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पहली किस्त में 12,000 रुपए दिए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश की वजह से सीमा के पास बने बंकरों में पानी भर गया। बनारस विश्वविद्यालय में एहतियात के तौर पर आज से ही प्रवेश के लिए परीक्षाएं शुरू हो गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव करवाने को पप्पू यादव ने जनतंत्र के साथ मजाक बताया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में
शेड गिरने की वजह से दो लोगों की मौत के मामले में सीएम ने परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीनी विवाद में हुई झड़प के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में 2 दिन में चोरी की कई घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बांध का कटान रोकने के लिए इलाके में लोगों ने रामायण का पाठ आयोजित किया। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ही आदमी का वहां खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तराखंड के खटीमा में व्यापारियों ने कोरोना के लिए होने वाले रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाए और इस टेस्ट को करवाने की इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के सांवेर में नदी में बहे एक आदमी की तलाश में बचाव अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मगरमच्छ के गांव में घुसने से लोग दहशत में हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीमें ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए घाघरा नदी का पानी छोड़ा है। बिहार के औरंगाबाद में अदरी नदी पर बना हुआ पुल टूटने से कई गांवों के लोग अब आमने सामने आए और लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती हुई गाड़ी में आग लग गई है, जिससे वहां तैनात पुलिस वालों ने बुझा दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यूपी के रायबरेली में बारिश में कच्चा मकान गिरने से एक आदमी की दबकर मौत हो गई। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके घर के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले। इटावा से गुजरात जा रही उज्जैन के पास बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा घायल हुए। मध्यप्रदेश के गुना में नदी में तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से बचा लिया गया। पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर हुई फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के पकड़े जाने के बाद एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कई जगह छापेमारी की। बिहार के सीवान में पुलिस ने झाड़ियों में छिपकर रखेगी 200 बोतलें शराब की बरामद की। राजकोट में गोंदल के पास में बांध का पानी से ओवरफ्लो को देखते हुए मोतीसर डैम के 14 गेट खोल दिए गए। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने कहा है कि कांग्रेस में ये संकट की घड़ी है और राहुल को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। विजयवाड़ा में एक डॉक्टर ने कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज के छलांग लगाने के बाद उस युवक का शव तलाशने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। कर्नाटक के उडुपी में कोरोना से हुई मौत के बाद शव के बदले जाने पर घर वालों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिन तक चलने वाले नवाखाई पर्व की शुरुआत हो गई। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले कुछ डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री सोमिन महापात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल के कोझिकोड में रियाद से लौटे एक यात्री से 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। बीजेपी नेता गोवर्धन झड़पिया की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। कर्नाटक के रायचूर में कोविड अस्पताल में सुअर घूमने के मामले में पुलिस ने सुअर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग करीब 10 लाख एकड़ तक फैल गई है, हजारों घरों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका में कोरोना महामारी के फैलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में लगातार 8 हफ्तों तक कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज हुए। न्यूजीलैंड में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 मामले सामने आए। बेलारूस की राजधानी मिंस में राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर के हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। अमेरिका ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दे दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में पीएम ओली और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच मतभेद सुलझाने के लिए बनी समिति ने कई सुझाव दिए। देश की 2 बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी। जैक कैलिस, जहीर अब्बास और महिला क्रिकेट लीजा स्टालेकर को आईसीसी ऑल ऑफ फेम से नवाजा गया है। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की अगुवाई वाली मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम को अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम बताया है। आईपीएल के लिए यूए पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ है। सुशांत सिंह के पिता ने उनके बचपन की तस्वीरें साझा कर कहा कि वो ठगों के चक्कर में फंस गया। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक ने अवार्ड शो पर सवाल खड़े किए। अभिनेता शाहरुख खान ने गणपति बप्पा की पूजा के बाद विधि विधान से विसर्जन करके अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की।
शिल्पा शेट्टी ने पति और बेटे के साथ जमकर डांस करते हुए धूमधाम से गणेश विसर्जन किया। एक्टर संजय कपूर ने ऐलान किया कि उनकी बेटी शनाया जल्द ही फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त की सलामती के लिए अखंड ज्योत जलाई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने दावा किया है कि सुशांत के लिए वर्चुअल प्रार्थना में 100 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। सलमान खान ने अपने परिवार के साथ गणेशोत्सव मनाया और आरती भी की। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया। लॉकडाउन पर ओडिशा में बनी एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। उत्तर कोरिया